आप चाहते हैं कि भाई पूरे डायलर पैडर पर कुछ अलग से हो, यानी कुछ यूनिक सा हो, ठीक है, जो कि हमारे मनपसंद की सॉन्ग हो और इसी के साथ में वीडियो हमारे मोबाइल पर चलने लगे जब भी किसी का फ़ोन आए तब, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हम अपने फ़ोन में किस तरीके से करते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसी के साथ में कई बार हमें ये भी देखने को मिला है कि हम चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में जो भी बातें हों वो रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग को हम किस तरीके से ऑन और ऑफ कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। इसी के साथ में अपने जो भी थिम्स होता है, जब भी हम डायलर पैड पर हमारी कॉल आती है तो उस थिम्स को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम तीन सेटिंग्स को जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप अपना एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं तब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायल पैड के लिए यहाँ पर सिंपली ओपन करूँगा और मैं यहाँ पर सेटिंग्स पे जाऊँगा। उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऊपर में ही देखने को मिल गया है जैसे कि फिलस फॉर कॉल्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे नंबर पर जब भी किसी की कॉल आए तो वो लाइट जो पीछे की होती है ये जलने लगे, ठीक है, यानी कि उजाला देने लगे, तो ठीक है, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ में मैंने इसे ऑफ कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बात हो तो हमारे फ़ोन पर ऑटोमेटो ही वो कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस वाली सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं कि भाई जो फ़ोन है किसी का भी हमारे मोबाइल पर आए और जो भी हम वीडियो लगाएं वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और आप ऊपर में थीम्स लगा सकते हैं जो कि थीम्स स्टोर है, तो आप यहाँ पर ही कुछ नए थीम्स लगा सकते हैं और अपने मोबाइल का कुछ लुक है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम बोरिंग सा लगता है कोई बार बार थीम्स देखना, तो ये ठीक नहीं होता है। प्लस के आइकन पर सिंपली क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से एक वीडियो को ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इस वाली वीडियो के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप जो भी चाहें अपने मनपसंद यहाँ पर वीडियो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे अप्लाई कर देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो ऐड हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ से कट करूँगा और मैं अपने यहाँ पर दूसरे नंबर से आपको यहाँ पर कॉल लगा के दिखा रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ पर जो है वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपके जो फ़ोन का लुक है वो यहाँ पर पूरी की पूरी तरह चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन का जो लुक है वो पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी आपके पास किसी का भी फ़ोन आएगा तो आपको भी फ़ोन को देखते हुए अच्छा लगेगा और आप यहां से कॉल को उठा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां पर अपने फ़ोन का एक नया लुक दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस तरीके की वीडियो देखना अधिक पसंद करते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।